97 न्यूज के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मोहित चंदू जट। मेरे देखने सुनने और चाहने वालों को मेरा सलाम। नाज़रीन, मरियम नवाज पाकिस्तान वापस आ गई। अवाम ने बहुत जोरों शोर से उनका इस्तकबाल किया। आइए जानते हैं अशरफ नदीम भट्टी साहब से कि उनका क्या कहना है, क्या मरियम नवाज आने वाले वक्त में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म होंगी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपका क्या कहना है कि मरियम नवाज का जिस तरह से जोरों शोर से इस्तकबाल किया गया, आने वाले वक्त में क्या वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे पाकिस्तान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो आज उसका इस्तकबाल हुआ है ना, वो देख रहे हैं ठीक हुआ है। जो आपको की जा रही थी, तो लोग कहते थे नूनली खत्म हो गई है, नूनली खत्म नहीं हुई। मरियम और मरियम के आने से नूनली और उसका कद जो है ना बढ़ेगा। लोग देखते हैं, लोग मरियम को पसंद करते हैं, तो नूनली के लिए काम भी किए हैं, लेकिन उनका प्यार कुछ इमरान खान की वजह से नीचे आया है। लेकिन इतना भी नहीं है कि वो कामयाब नहीं होगी। उम्मीद है कि अगला वो अच्छे लोग अच्छे काम करेंगे, लोगों को मतलब जो महंगाई है इसको कंट्रोल करेंगे तो वहां में आएंगे ना। अगर महंगाई नहीं काम करेंगे तो चाहे मरियम आ जाए, चाहे मियां नवाजी भी आ जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मरियम नवाज तो आ गई वापस, लेकिन नवाज शरीफ कब वापसी है उनकी, कब? ये बड़ा आपका सवाल। नवाज शरीफ का अभी चांसेस नहीं है, और लगता है वो कोशिश करेंगे आने की, लेकिन मुझे नहीं लगता वो पाकिस्तान आएंगे। अगर इलेक्शन हुए तो फिर शायद, अगर पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो फिर वो आ जाएंगे, क्योंकि उनके बगैर जो है ना आगे चलना बड़ा मुश्किल लगा। केली मरियम नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज, ये इलेक्शन में नहीं कामयाब हो। मतलब जो नवाज शरीफ है वो नून लीग के साथ है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। नून लीग का वोट नवाज शरीफ की वजह से है और मरियम नवाज भी उसमें शामिल है। बाकी आप, मैं बता दूं कि बाकी जो हमजा साहब है, शवासी साहब, वो सब सब ठीक है, लेकिन वोट जो है ना वो लोग नवाज शरीफ को देते हैं। लेकिन सर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो शहबाज शरीफ को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। शहबाज शरीफ लीडर है, लेकिन इतने नहीं है जो नवाज शरीफ का कायदा है। असल चीज पहचान उन्होंने की है वो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ। ठीक, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें वक्त दिया और अवाम को आगाह किया कि मरियम नवाज शरीफ आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म होंगी या नहीं होंगी। थैंक यू सो मच।